ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो अज्ञानं नमो लोयेश विशाम मंगलं भगवान वीरो मंगलं गोत्मगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मंगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्व धर्मानां जयनं देतु साक्षिणं बंद्वित्व सविशिद्धे दोमचलिमणो भवं गतिं पत्ते वोच्यामि शमय पाहुर्मिणिमो सुदके विलीवणिदं नमा शमय शाराये स्वानुभूत्या चकाशिते शिश्रवावाये वावाये सर्वे वावान्तरच्छदि सर्वांगी शासंजयवन्ति वर्ते निर्ग्रंथि सासंजयवन्ति यही वावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ सासंजयवन्ति वर्ति भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप क्या है, यानी जीव वास्तविक जीव का क्या स्वरूप है, उसका स्वरूप इस गाथा 49 के माध्यम से चल रहा है। पेज नंबर 151 पर टीका के अंतिम वचनों की ओर स्वाध्यायपन करते हैं। ऐसा अभी पूरी गट्टी का काम है, इसके बाद लेंगे। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ जीव है। क्या लिख रहे हैं? रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता और अलिंग ग्रहण पना, यानी लिंग के द्वारा ग्रहण न होने पर भी भाई चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य रूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य ही जिसका रूप है यानी स्वरूप है, ऐसा वास्तविक जीव है। यानी जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य है। परमार्थ अर्थात वास्तविक, वास्तविक जीव का क्या स्वरूप है, मानो वास्तव में जीव है कैसा, कि जिस जीव को तुमने रस रूप मान रखा है, गंध रूप मान रखा है, वर्ण रूप मान रखा है, शब्द रूप मान रखा है, जीव का ये वास्तव में रूप नहीं है। जीव का वास्तविक रूप तो क्या है, कि जीव का वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य है। ये कर्म नो कर्म रूप जीव को रूप मत देख, भाव आदि कर्म रूप जीव का रूप मत देख, जीव को चैतन्य रूप देख। माना जीव है, वो जीव है कैसा, परमार्थ जीव, वास्तविक जीव क्या है, परमार्थ रूप जीव है ऐसा है। जैसे परमात्मा सिद्ध हैं, जैसे परमात्मा अनंत हैं, जैसे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जैसे वे चैतन्य में हैं, ऐसी है भगवान भी चैतन्य में। इसने अपने चैतन्यपने को छोड़ करके जड़पना कभी स्वीकार किया ही नहीं, जड़ रूप नहीं हुआ, चैतन्य रूप रहा है। ऐसा जीव ऐसा है, जीव परमार्थ स्वरूप चैतन्य में,
ऐसा है जीव। कल क्या कहा था तुमने, कैसा कैसा मान रखा है तुम सोचो। जीव तो ऐसा है। अच्छा टीका को पूरा करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि वास्तव में तूने इस टीका का स्वाध्याय किया है तो अब सोच, जीव तो ऐसा है, अब सोचो हमने कैसा मान रखा था। ऐसा है जीव, ऐसा है जीव, तो ऐसा है। कैसा है? रस रूप नहीं होता, गंध रूप नहीं होता, शब्द रूप नहीं होता, कर्म रूप नौ कर्म रूप नहीं होता, ऐसा है जीव। ऐसे जीव को ना देखे जाने बिना ये दशा है तेरी। जीव तो ऐसा है, आजे मान काले मान अनंत काल वाद मान, ऐसा है जीव। मैं कैसे बाज रहा हूं? पहला अक्षर बाज रहा हूं और आखिरी के दो अक्षर बाज रहा हूं, सौरभ मिलाना तीनों को। ऐसा है जीव, मतलब क्या? जीव ऐसा है, ऐसा है जीव। आओ इसका क्या मिलाना नास्ती में? तूने कैसा कैसा मान रखा है? तुमने जैसा मान रखा है वैसा नहीं है। जैसे किसी ने अजैन को देखा हो और अजैन वैसी रात अजैन जैसे जैन को देख लिया और उसको देख करके समझने लगा कि जैन भी रात के भोजन करते हो, ऐसा जीवन होते, तो किसी जैनों के पास लेके गए हो, वो रात को पानी भी नहीं पी रहे थे और संयम बोले ये होते हैं जैन, ऐसे होते जैन, तुमने मान रखो तो वे नहीं है भैया, वे तो नाम मात्र के जैन है, कहने के जैन है। ऐसी ऐसा है जीव, जैसा तूने मान रखा था वैसा जीव नहीं है। तूने तो उसको कर्म रूप मान रखा था, दर्द राग रूप मान रखा था, नौ कर्म रूप मान रखा था। इसे टीका के वचन याद करें तो रस रूप, गंध रूप, शब्द रूप, ये बाहर के लिंग रूप जो तूने मान रखा था ऐसा जीव नहीं है। हे भगवान ऐसा है जीव? बोले हाँ, तो मुझे तो इन बातों की माने ऐसा है तू भाई। ऐसा है जीव का अर्थ क्या? ऐसे हो तुम, तुमने जो अपने को माना था वो तुम नहीं हो, तुम तो ऐसे हो। कैसे हो? अब ऐसा है जीव कैसा? परमात्मा के सामने खड़े हो जाओ और फिर विचार करो। क्या विचार करो सुरेश भाई साहब? ऐसा है जीव मतलब क्या? ऐसा हूं मैं नहीं, ये थोड़ी हूं मैं, ये भगवान के निकट आए हो ना तो उसका भाव तो ऐसा हूं मैं। हाँ मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं तो ऐसा हूं भाई साहब। देखो कुमार जी 151 पर हाँ क्या लिखते हैं? ऐसा है जीव, जीव भगवान चैतन्य परमात्मा आनंदकारी परमेश्वर परम तृप्ति में ऐसा है वो। अरे वो अव्यक्त के बोल लगाते जाओ और विचार करते जाओ, ऐसा है जीव। यानी सर्वद्रव्यात्मक जो विश्व है वो उससे न्यारा है, कसायों के समूह भाव भाव से न्यारा है, उसकी उसमें ही समस्त निर्मल पर्याय समाई हुई है, तो भी निर्मल पर्याय मात्र नहीं है, फिर भी निर्मल पर्याय को छूता नहीं है और निर्मल पर्याय से भी उदास है, ऐसा है जीव। समझ में आया? ये व्यक्त के बोल बोल गए अब दो मिनट में, तो चार छह दिनों में चलाए थे यार। द्रव्य से निहारा है, कसायों के समूह भावक भाव से निहारा है। अरे उसकी समस्त वृत्तियां उन्हीं निर्मल पर्याय उसी में समाई हुई हैं, वो तो भी वो निर्मल पर्याय मात्र नहीं है, और जब वो निर्मल द्रव्य वह पर्याय जो द्रव्य को मैं रमती है उस पर्याय को भी नहीं छूता, और त्रिकाल की इतनी महिमा है कि उसकी भी चाय नहीं करता, उससे भी उदास, ऐसा है जी। प्रभु तूने अपना रूप क्या समझ रखा है? तू इन रूपों नहीं हुआ है, एक बार अपनी धुन तो लगा, ये सब कर्म नस्ते हुए दिखाई देंगे, ये विवाह परिणतियां नस्ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि पढ़ता है सुनता है परंतु विचार नहीं करता है। गुरु बार बार कहते हो रहे कुछ विचार नहीं करता, और शिष्य की बात ऐसी लिखी है गुरु के कही हुए वचनों का बारंबार विचार करता है। टोडरमल जी साहब ने मोहे की महिमा लिखी है और श्रोता का स्वरूप लिखा है, एक जगह लिखा है गुरु बारंबार कहते और कुछ विचार नहीं करता, ये बार बार आत्मा कहते और ये आत्मा का कुछ विचार नहीं करता। और कलब्धियों की चर्चा में अपन ने लिया था कि वो आत्मा के विचारने लायक बुद्धि हो वो चौसम लब्धि है, आत्मा विचार में चलने लगा उसका नाम चौसम लब्धि है। आत्मा की अच्छा लगे, सर्वस्व लगे, आनंद लगे, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है।
प्रसंग प्रसंग में अपने आत्मा का प्रयोग करे, वही प्रायोगिक लब्धि है। आत्मा की महिमा दिखाने वाली देशना को ही अपने हृदय में बसाए रखे, जिन ईश्वर नाथ की वाणी की गूंजे गूंजती रहे दिन रात, वो वाणी छूटे ना, इसका नाम देशना लब्धि है। और उसी का बार 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 प्रयोग करे तो प्रायोग लब्धि है, उससे वो दर्शन मयाज कीन पड़ता है, और उसी रूप परिणत हो जाए तो करण लगती, समझना। उसको सुनने समझने लायक बुद्धि हुई भाई साहब राजेंद्र जी, छो सब लगती, उसको समझने में अच्छा लगता है, रुचि लगती है, मन लगता है, इसका नाम विशुद्धि लगती है। आत्मा की महिमा कराने वाली ज्ञानी की वाणी को सुना और वो धारण कर ली, छूटे ना, आका नाम देशना लगती है। बार बार प्रसंग प्रसंग में प्रसंग प्रसंग में अपने आत्मा का ही प्रयोग, आत्मा का ही ध्यान, आत्मा का ही विचार, भाई को विचार, भाई को ध्यान, भाई का चिंतन, उसी उसी की महिमा, आका नाम प्रायोग लगती है, और उसी रूप परिणत हो गया कर लगती है, शाम को चल रही लगती है। हाँ तो ये प्रभु परमात्मा ऐसा है जीव, हम कैसे अकेले रहेंगे, अनंत काल तक अकेला रहेगा, ऐसा है जी। ये कर्मन को कहोगे, कर्मों को छूता नहीं है, ऐसा है जी। राग तो बहुत आता है, राग छूता भी नहीं है, वैसा है जी। शरीर के मारे हैरान है, शरीर आया ही नहीं आत्मा में, ऐसा है। संसार है, संसार होते ही नहीं होते, कर्म है ही नहीं है, राग है ही नहीं है, स्वभाव भाव है ही नहीं है, सिद्ध जैसा है वो। अभी सिद्ध जग विदान की वासनापन करते जाएंगे और उसमें एक एक अर्घ चढ़ेगा और एक एक गुणों की महिमा होगी और प्रत्येक के साथ मिलाते जाओ, ऐसा है जी। हाँ ऐसा हूं मैं, है छायक संकेत से संपन्न सिद्ध भगवान को अर्घ चढ़ाएंगे और छायक संकेत स्वरूप भगवान आत्मा इसकी दृष्टि धरेंगे, उधर अर्घ चढ़ाएंगे, उधर महिमा करेंगे, उससे मात्र पुण्यबंध होगा, संसार का क्षय होने वाला नहीं, परंतु उनके जैसा स्वरूप का ध्यान करेंगे तो संसार से का कारण बनेगा। क्या लिखते हैं, ऐसा जीव है, कैसा परमार्थ में वास्तव में जीव तो ऐसा है, तूने जैसा वास्तव में मान रखा था ना भैया, वास्तविक जैन तो जीव होते हैं, वास्तव त्यागी तो जीव होते हैं, वास्तव स्वाध्यायी तो जीव होते हैं, तुमने मानो थोड़ी है स्वाध्याय, देखे ऐसी वास्तव में जीव तो ऐसा है, कैसा है, चैतन्य रूप है, कैसा है, चैतन्य रूप है, यानी ज्ञाता दृष्टा रूप है। तूने जय मान रखा है, न जाने क्या क्या मान रखा है अपने को, मैं दानवीर, मैं कर्म भला, मैं जे, मैं जे, मैं जे, अरे प्रभु तू जाने अन्य नाना प्रकार की मान्यताओं में अपने परमात्मा को भूल गया, ये मान्यताएं बंद कर दे, ऐसा है चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव, ऐसा है भाई साहब। जय कुमार जी विषय मिल गया है, एक सौ क्या होगी लास्ट, बिल्कुल चैतन्य रूप परमाण स्वरूप बोलो जीव, ऐसा ऐसा जी, अब पूरा बात पढ़ो, ऐसा चैतन्य रूप परमाण स्वरूप जीव है, मैं हूँ, ऐसा हूँ मैं। अब एक एक बोल लगाते जाओ, ध्यान करते जाओ, ऐसा हूँ मैं, तो अष्टमी बन जाएगी आपकी। जिसका प्रकाश निर्मल है, क्या लिखा उसके बाद में, जिसका प्रकाश निर्मल है, जिसमें राह पुण्य पाप की मलिनता नहीं है, ये पुण्य पाप तो अंधेरा है, मेरा प्रकाश तो निर्मल है। ये निर्मल है मतलब ये कोई मेरे ज्ञान प्रकाश के लिए किसी कर्म के उदय चौसम छह की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकाश निर्मल है, यानी मलिन मलिनता से रहित है, यानी मलिन जो चौसमिक आदि भाव है उनसे रहित है, इसलिए लिखा है कि उसका प्रकाश निर्मल है। मल है जो मल जनित चौसमिक आदि भाव है उनसे रहित है, यानी उनका लक्ष्य करने से राग पैदा होता है, इसलिए श्री गुरु उनको मल जनित भाव कहते हैं, और उनसे न्यारा परम पारनामिक भावमयी सहज ज्ञान सहज दर्शन सहज सुख सहज वीरमयी जो सदा दैदीप्यमान है प्रकाशमान है, ऐसा है परमात्मा। तो लिखते हैं जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा, आह क्या लिखा, आगे बढ़ना, पहुंच गए वेदी पे भाई साहब, जय कुमार जी वेदी पे पहुंच गए,
देखो क्या लिखा है, जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा है। क्या लिखा भैया? भगवान। क्या लिखा? जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा है भगवान, है भगवान। चैतन्य रूप, परमार्थ रूप, अरे सदा कभी ये मिटता नहीं है, ऐसा है भगवान। ऐसा है वैभववान भगवान। भग मतलब वैभववान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर युक्त जैसे भगवान जिनेन्द्र हैं, ऐसे ही सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज शोक, सहज वीर आदि स्वरूप अनंतो गुण का भूप मेरा भगवान है, ऐसा है भगवान। है भगवान है, यहाँ भगवान है। कल कहा था ना, यहाँ तो भगवान है, ये कर रहे होगा जैसे बन के थे, भगवान है यहाँ तो भैया, थोड़े ऐसे यहाँ सो मती, ये मंदिर है भगवान, यहाँ भगवान यहाँ सो रहे हो, यहाँ भोजन कर रहे हो, यहाँ ये अंगड़ाई रह रहे भैया, यहाँ भगवान है, जिक्का कर रहे हो तुमने, कब पहले रखा ऐसे ही, ये कर जिक्का दशा बना रखी तुमने, यहाँ भगवान है। मंदिर के बाहर में कोई उल्टा सीधा कचरा बचरा डाल दी और वैसा है तो क्या कहोगे, कर है भैया यहाँ तो, ए वीरेंद्र भाई साहब क्या कहोगे, भगवान विराजमान करता है फिर कचरा बचरा डाल रहे हैं। जब तक भगवान विराजमान नहीं हुए तब तक वहाँ कोई घूमा, और भगवान विराजमान भाई तो कचरा बचरा सब बंद। ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है वो अलग, यहाँ भगवान है, ऐसा है भगवान है, यह भगवान है और यहाँ भगवान है। यहाँ मतलब इधर, लेकिन बाहर जावे की जरूरत, इसलिए जो यहाँ भगवान देखता है, जो भगवान को यहाँ देखेगा उसका जीवन भी सहज ही बाहर में योग हो जाएगा। भगवान को लाओगे, भगवान को लाते ही भूमि पूज हो जाती है, ऐसी है भगवान है, ऐसा निर्णय करते ही ये पर्याय जो अपूज्य है वो पूज्य हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। कचरा तब तक ही पड़ा है, गंदगी तब तक ही है जब तक वहां भगवान नहीं आए, और जो भगवान आए बोलो सब बंद हो जाएगा। अरे भगवान आएंगे तब आएंगे, लेकिन उस भूमि का शिलान्यास भी हो गया, बोलो अब, बोलो अब क्या करेंगे, वहां कोई डालेगा गंदगी ला करके? क्यों? यहाँ मंदिर बनेगा, पक्का हो गया जब शिलान्यास हो गया। ऐसे ही ये मैं भगवान परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया बराबर, क्या हो गया? शिलान्यास हो गया, अब ये भगवान बनेगा। जैसे जैसे भूमि में का शिलान्यास हुआ, अभी कुछ नहीं, जब तक शिलान्यास ना हो तब तक तो कोई टोक कहने वाला भी नहीं, वो जो शिलान्यास हुआ तो क्या वो क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, वाने में ले ली हो जमीन, कई बार ऐसे हो जाते हैं, फिर कोई प्रसंग बना उसने बेच दी, लेकिन शिलान्यास हो गया हो और उसके बाद मंदिर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा है? ऐसे ही जिसने परद्रव्य प्रभाव से न्यारे अपने भगवान को देख लिया, बोलो, और भगवान ना बने, भैया आप तो तुमने सलाने आप मंदिर का हो रहा, ऐसे ज्ञानी होने के बाद सबके भैया आप कब हो रहा हो, अब जगाओ प्रसाद, उसको भी अपने को बार बार लगेगा खुद का ही, भैया बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। ऐसा है भगवान। हाँ क्या लिखते हैं, जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा है भगवान, भगवान इस लोक में, इस लोक में एक दो नहीं, क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ भगवान है ऐसा समझना पहले से, यह भगवान है और बाहर से देखो तो यहाँ ये भगवान है, तो यहाँ भगवान है, ये देखते ही आपका पूरा जीवन बाहर का स्वयं एव चरणानुग के अनुसार हो जाएगा, फिर आपके कपड़े, आपका भोजन, आपका चाल, आपका बोलना सब, मंदिर में कोई सौरभ भैया एकदम अभद्र वचन कैसे बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा विनय से दो शब्द बोलेगा, कथा नहीं करेगा, गाली गाली कैसे दे सकता है मंदिर में,
ऐसे यहाँ भगवान है तो अवक्ष वक्षण उल्टा सीधा प्रवर्तन कैसे होगा उसका। इसलिए लिखते हैं ऐसा है भगवान इस लोक में। इस लोक में मतलब क्या, ये 14 राजयुतंगलम लोक पुरुष संथान। इस लोक में अर्थात क्या, ये जो भाई लोक है उस लोक की बात नहीं, जो राग देश मोहमयी दशा है उसका नाम संसार है। इस राग देश मोहमयी दशा में ये राग देश मोह का लोक ये तो न्यारा है, ये तो भगवान यही रहता है। लेकिन ये भगवान अपने भगवान पने को छोड़ता नहीं है। इस लोक में एक 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 मतलब परद्रव्य प्रभावों से न्यारा, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से न्यारा रहता हुआ टंकोत्कीर्ण में भाई साहब है। एक है, एक एक शब्द में भले आचार्य महाराज कैसे नहीं हो पड़ जाए, दो मिनट में पांच दिन है। एस लोक में, लोक का अर्थ क्या हुआ बोलो, ये लिखते नहीं मानो दिमाग में बैठाओ, लोक का अर्थ क्या हुआ, ये जो वैभाविक संसार दिखाई देता है ना वैभाव दुनिया वाला, इस लोक में जी लोक कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है, लेकिन इसमें एक अकेला है, हैं? उसको कहा एक का एक का अर्थ ही किया है, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहे, इसका नाम एक। हाँ, उसमें चार गतियां नहीं है, विवाह भाव नहीं है, एक है, एक टंकोत्कीर्ण। ये जो एक है ना वही टंकोत्कीर्ण है, और जो अनेक विवाह आते हैं जैसे जाते आते रहते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा है ना भैया सौरभ है, चैतन्य रूप है ना, आनंद स्वरूप है ना, आनंद भूप है ना, ये जो राग है ना गुस्सा आ रही है, मान आ रहा है, लोभ आ रहा है, ये कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है। मारीची का जीव, भगवान महावीर का जीव जब मारीची की पर्याय में था तब कौन सा रूप था उसका, चैतन्य रूप। कौन सा रूप था, चैतन्य रूप। लेकिन जो विरोध कर रहा था खड़े होकर के, कैसी विचित्र था, तीर्थंकर भगवान आदि ना साक्षात शासन प्रवर्त रहा था भगवान का है, और उन्हीं के घर का वो घर का ही नहीं गोदी में खेला था, अप्पा सो परमप्पा सुनाते आदिनाथ भगवान उसको है, कथा में देखे पुराण में देखे उठा करके, उनका नाती और विरोध में खड़ा था, सब बदल गए। जो थोड़े भ्रष्ट हुई थे उसके कारण से दीक्षा के बाद में सहन नहीं हुआ था, भ्रष्टों का बिजनेस सबने दीक्षा ले ली, एक मारीची नहीं आया। अरे ना सही, जो इधर का मैं अन्नमत का तीर्थंकर पहला ही बन के बताऊंगा, ओ, 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 ओ विरोध में खड़ा है, लेकिन जो विरोध करने वाला भाव था वो टंकोत्कीर्ण नहीं था, वो मिथ्यात का भाव था, वो टंकोत्कीर्ण नहीं था। कहा गजब है हमारे यहाँ, क्या अद्भुत बीत राग था और वस्तु स्वरूप का है, पिता चक्रवर्ती और उनका राज क्या करता, छैखंड में से निकाल देते तो कहा जाता वो, लेकिन जान तो ये जो इसको क्या करें। आदि सर बोले भाई भव्य है, अगर ये इस प्रकार नहीं चलेगा तो 24वां कैसे बनेगा, कुछ समझ में आई, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी पूरा करना है तो इसको निबोध जाना है, और निबोध जाना है तो भगव विरोध तो करना है, मिथ्यात का सेवन करे बिना निबोध जा सकता नहीं है, और तीव्र मिथ्यात का सेवन करेगा तो निबोध जाएगा। एक इंद्रिय में जाना है, दो इंद्रिय इसकी पर्याय सब निश्चित है, बोले भगवान के क्या जरूरत है, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी कर दो, वो बंद करने वाला नहीं है, इसी उसका परिणाम उसके ऊपर छोड़ो अपना रहन कर, और वही में डर आ गया। ये होता है ज्ञानियों की स्वतंत्रता, कौन क्या कह रहा है उससे कुछ प्रयोजन नहीं है, परमात्मा क्या कह रहे हो, हमारा परिणाम क्या कह रहा है, हमारा परिणाम जिनाज्ञा के विरुद्ध है तो हम अपराधी हैं। इसीलिए क्या लिखा कि भाई ये लोक में एक टंकोत्कीर्ण मतलब टांकी से उकोड़ दिया भगवान है जी, ये भगवान कभी मिटने वाला नहीं है। गिरनारी के भगवान मूर्तियों तो उठा उठा के इधर उधर कर दी, लेकिन जो शिलाओं पर प्रतिमा बनी है, पर्वतों पर प्रतिमा बनी है, उनको कोई मिटाने की कोशिश भी करी जैन तरों ने, मस्जिदों में पहले क्रूर लोगों ने मस्जिदों में अपनी वो मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई, बहुत सी हैं। कुतुब मीनार लगभग कितने 14 के कितने 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई,
कुतुब मीनार जो है भाई बंद देख भी जाते बहुत से लोग, तो वो हमने मंदिरों की 27 जन मंदिर तोड़े थे उस, उसके बाद उसको बनाई मतलब ये। लेकिन उन स्थानों पर जैन मंदिर रहा ये कैसे जाना, क्यों वहां कोई जो अंदर में वो लगा हुआ है ना खंभा होता है उसमें बीच में वो भगवान उकरे हुए हैं, वो जो प्रतिमा उकरी हुई है ना, इसलिए तो ये जो अपने आयो चले हैं समय सारजी नियम सारजी टाकी चौकेर के लगा दो, यानी पता है जी बरसों बाद में कदाचित मंदिर भी ना हो स्थान भी ना हो, कदाचित करो दूसरे काल में भी दूसरे समय में भी जब भी निकाले जाएंगे तब या निकला जाएगा कि ये कोई उकरी हुई गाथाएं हैं, यानी हुई कुंद कुंद ये ग्रंथ जा सकता है लेकिन वो ट्याकी से उकरे हुए गाथाएं नहीं जाएंगी। ताम्रपत्र पर लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं कि मोक्ष मार्ग का सबको ताम्रपत्र पर लिखवा दिया, क्यों लिखवा दिया एक कागज चला ताम्रपत्र की उम्र बहुत होती है, कोई ऐसा योग आ गया कोई ऐसा कि हम ग्रंथ ना रहे तो वो ताम्रपत्र निकल आए और उससे फिर पुनः रचनाएं हो जाए। ये टंकोत्कीर्ण है, इसी किसी ने टंकोत्कीर्ण किया नहीं है, यानी ये भगवत बना कभी मिटने वाला नहीं है, मैं ऐसा है भगवान है, इस भगवान को कितने विभावों के भाव बहते रहे बाहर आप कितनी नालियां बहाते रहो हमारे भगवान को निरपेक्ष बैठे समझ, उससे कोई भगवान अपूज्य थोड़ी हो जाएंगे, ऐसे राग और भय की नालियां बहती रहती हैं। ज्ञानी कहता है एक दिन उस परमात्मा को देखेंगे जी झपकेंगे नहीं, तो ये कहते हैं ऐसा है भगवान, हाँ हे भगवान इस लोक में टंकोत की भिन्न ज्योति रूप राजमान, यानी लोक से यानी कर्म राग आदि से न्यारा भिन्न रहता हुआ ज्योति में विराजमान है। कलश अपन ने कल बांच लिया था, अब आगे का कलश लेते हैं 35 नंबर। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा के अनुभव की प्रेरणा करते हैं। टीका में बताया है इतना इतनी मेहनत करी आपने 6 व्यक्त के बोल समझे सटवे पढ़े बिल्कुल उपयोग लगाते रहे, अब आचार्य महाराज कह रहे कि शिष्य बाप बहुत अच्छा महाराज जी अब क्या करे पूरा समझ में आ गए, बोले अब इसी में डूब जाओ। तब अमृतचंद आचार्य महाराज का जब हृदय उछलने लगता है तब वे कलश लिखते हैं है? अपने सीधा कलश से हिंदी बांटते हैं, गुना मात लेंगे अपन हिंदी की मात ना करते हैं वो नहीं तो हैं। चित्त शक्ति रिक्तम, चित्त शक्ति से रहित चैतन्य ज्ञाता दृष्टा पने से रहित, चित्त स्वभाव से रहित ज्ञाता दृष्टा रूप सामर्थ से रहित, शक्ति कहें सामर्थ कहें स्वभाव कहें ना मिटने वाला भाव कहें एक ही भाव है। शक्ति उसे कहते हैं भैया सौरभ जो किसी के द्वारा दी नहीं जाती है और जिसे कोई छीन सकता नहीं है, तो जो चित शक्ति है महाराज जी शक्ति तो आपने अनंत बताई, यहाँ तो एक ही बता रहे हो कौन सी चित शक्ति अकेली बता रहे हो, मैंने चित्ती शक्ति अकेला, वो चित्ती शक्ति अकेली नहीं है, ये चित शक्ति मतलब ज्ञानमय दर्शन में शक्ति, तो ये ज्ञान कैसा है कि जिसके अंतर में बस रही है अनंत शक्ति, इस चित्त शक्ति में बोलो भैया क्या कह रहे अनंत शक्ति बसती है, इसमें अकेली चित्त शक्ति यानी मतलब क्या जो अपने को चैतन्य रूप देखता है, यानी जो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है अनंत शक्तिशाली हो जाता है। अब आ जाओ जितने आने हैं कर्म हम अपने पट लेंगे तुमसे, क्योंकि अब हम अपने को कैसा देखने लगे, हाँ चित्त शक्ति जो थी, हाँ चैतन्य शक्ति जो थी ना, जैसे किसी किसी के पास में शक्ति होती है, अब पुराणों में मिलती है कि वो रावण के पास फला शक्ति वो रथ वो हथियार वो, अब वो पहले तो वो डरता लेकिन
पहले जैसा तैसा करके अपनी उसमें गया और अपना हथियार ले आए, बोले अब आ जाओ जितनों को आना है। जैसे रावण का भांजा था मधु राजा मथुरा का, उसके पास में देवेंद्र के उसके द्वारा देव का गरुणेंद्र था कि धर्णेंद्र था, उसके द्वारा दिया गया एक त्रिशूल विशेष था। जो त्रिशूल उसके हाथ में हो तो नारायण प्रति नारायण कोई अजाय उसको जीत सकता नहीं था, तो वो ऐसा त्रिशूल था। तब वो शत्रुघ्न ने ऐसा इस समय बार किया था जब त्रिशूल हाथ में नहीं था, अगर वो उसके हाथ में जैसे तैसे करके वो ये कहता था मैं आयुषशाला चला जाऊं और वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर आ जाए पूरी सेना। ऐसे ही बोलो, ने अपने में गया और मैंने अपनी शक्ति देखी, अब आ जाओ जितनों को आना है, ये कर्मो ये राग आदि भावो तुमको आना है आ जाओ, अब तुम आने के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं भी तुमसे भिन्न अपने ज्ञाता परमात्मा को भाने के लिए स्वतंत्र हूँ। यदि कोई, हाँ बोलो भाई, कि वो तो जड़ की शक्ति थी और ये तो स्थाई शक्ति है, मतलब जैसे ही वो तो धारण दिया उसके हाथ में वो आया, अब उसको बल बढ़ गया। ऐसी तुम्हारा बल कब बढ़ेगा, मतलब क्या, प्रत्येक प्रसंग में जानने देखने वाला देखोगे, करता धरता नहीं देखोगे, भोगता नहीं देखोगे, सुनने पढ़ने वाला नहीं देखोगे, क्या देखोगे, मैं तो जानना देखने वाला हूं, मैं तो जानने, अब तुम पर कोई भी विवाह भाव हावी नहीं हो पाएगा। जो अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, विवाह रूप मत देखो, अपने को उसको जानने वाला देखो और उसको भी जानने वाला मत देखो, जानने वाले को जानने वाला देखो। दो दो पहले का व्यवहार इधर से इधर किया, विवाह रूप मत देखो विवाह को, क्रोध रूप मत देखो क्रोध को जानने वाला देखो, और क्रोध को जानने वाला नहीं देखो जानने वाले को, क्रोध मेरे सत्ता में आते ही नहीं। समझ में आया, मैं तो विवाह परिणत हो गया, मैं वही का वही रह गया, पर्याय परिणत हो गई, मैं वही का वही रह गया, ये मेरी सत्ता में आते ही नहीं है। तो कौन सी शक्ति बोलो, जिस शक्ति ज्ञानी के पास इतनी छखंड में रह रहे हैं और तो भी वो छखंड का उन पर असर नहीं हुआ, आपकी भाषा में कहे ना है कि उन पर उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन जिसको आप बोलते हो ना, हाँ जैसे आप अपनी वो लगा लगू के चले गए और खूब ठंड का वातावरण था, लेकिन कोई ऐसा लेकर के चले गए जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, हाँ बोले ये आप लगा कर चले जाना और ये दवा लेकर चले जाना, अब कुछ नहीं होगा आपको। ऐसे ही वो छखंड का रिएक्शन उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो भी अपने को ज्ञात है, हजारों रानियों के बीच में छान बाजार थी ना, और वे रानियां भरत का ध्यान कर रही हैं और भरत तो चैतन्य का ध्यान कर रहे हैं, इतनी निरपेक्ष रहने की शक्ति कहां से आ गई, किस शक्ति, कौन सी शक्ति है, बागनी सिंगनी खा रही है और आनंद जर रहा है, कौन सी शक्ति बोलो, चित शक्ति। उस चित शक्ति रूप जो अपने को देखता है उसके साथ अनंत शक्तियां आती हैं, यानी उसी को स्वरूप की रचना रूप रचने के रूप स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति आएगी, अखंडित प्रताप स्वतंत्रता से युक्त प्रभुत्व शक्ति आएगी, सर्व भावों में व्यापक ऐसी विभू शक्ति आएगी, अनाकुलता रूप सुख शक्ति आएगी, और स्वरूप की रचना रूप वीर तो हो गया, कभी भी नई विलय को प्राप्त होने वाला चैतन्य रूप रहने वाली ऐसी जीवत शक्ति आएगी, सर्वदर्शित सर्वगत स्वच्छत्व अकार्य कारणत सर्व शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, जिसने अपने को आप कैसे मत देखो, वीर शक्ति किधर है उसको मत देखो, आप तो एक पकड़ो, किसको पकड़ो, चित शक्ति। अब चित शक्ति से रहित जो भी है, मानो ज्ञाता दृष्टा पना से रहित जो भी है, जिनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, यानी मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, विषय मिल गया बेटा पीछे, हाँ 152 पेज पर कलश चल रहा है,
चित शक्ति रहित अन्य समस्त भावों को, क्या लिखा बोलो, जिनमें चित शक्ति नहीं है उन भावों को मूल से छोड़कर, क्या करो, हाँ उनको मूल से छोड़ो, किनको, जिनमें बोलो क्या नहीं है, ज्ञाता दृष्टा नहीं है, शरीर में है क्या, ये तो बिल्कुल जड़ाया अलग है, कर्म में है क्या, पुण्य पाप के भावों में है क्या, तो इनको मूल से छोड़ो, क्या दे रहे हैं, मूल से छोड़कर, अर्थात क्या, इनको मूल से ग्रहण करना क्या है, कि इन विभाव भावो रूप अपने को जानना मानना, ये है इनका ग्रहण करना। मूल में क्या है कि मूल में इनमें सुख बुद्धि पड़ी रहती है, इनमें सुख भावों में धर्म बुद्धि पड़ी रहती है, अपनत्व बुद्धि पड़ी रहती है, ये मिथ्या है, यानी इन विभावों को मूल से छोड़ना। तो विभावों का मूल कौन है, हाँ बहुत बराबर है, उसको शास्त्रीय भाषा में बोलो मिथ्यात्। सकल क्रोध का मूल मिथ्यात्, मान का मूल मायाचारी का मूल, जैसे सम्यक दर्शन, जैसे मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन है, क्षमा का मूल सम्यक है, ज्ञान का मूल सम्यक है, समझ में आया ना, विनय का मूल सम्यक है, ऐसी जिन विभावों के मूल मिथ्यात है, तो इन विभावों को छोड़ना, चित शक्ति रहित को छोड़ना, मूल से छोड़ने का अर्थ क्या, अभिप्राय में से छोड़ देना, समझ में, इनमें एक तो ममत तो करते तो भोगते छोड़ देना, इसका नाम है मूल से छोड़, अब याद कर लो मूल से छोड़ दिया, मूल से छोड़, मूल से कैसे छोड़े, मूल से उखाड़ो, ये अपने पीछे था ना एक वृक्ष, वो पहले वो कई बार वो हो जाता है और लोग वाय छोटो कर देते हैं, हम तो कचु कितने ही है कुआवे, हम तो अनुभव रहा वो कर दो, अरे आज उसको उखाड़ देंगे काट देंगे, हम तो कचु कितने नहीं, हम तो भैया ना करो जो बचो, लेकिन वे लोग कर जाते हैं, और एक बार तो इतना कर गया कि वो उसकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने दो साल बाद देखा हाँ, और वो बेसों को बेसो ले रहा था, क्यों, हाँ ऐसे ही आप राग को छोड़ के आए, मूल से छोड़ के नहीं आए, असो राग को मूल छोड़ के नहीं आए, घर को छोड़ के आयो पर मूल को छोड़ के नहीं आए, मूल को मतलब घर तो माओ, हाँ अभी वो मोबाइल रख आए घर, लेकिन मूल को छोड़ के नहीं आए, छोड़ के तो दर आए, धोती दुपट्टा पहने आओ, तो सौरभ भैया हमारे पहने रहते हैं, कि वो मोबाइल वहां छोड़े आए, मोबाइल तो छोड़े आए पर मूल नहीं छोड़े आए, क्या नहीं छोड़े आए, जय कुमार भाई साहब अभी घर पर नहीं थे शायद आप, मैंने खोज भी करी थी तो आप घर पर नहीं थे, तो घर को छोड़ गए थे क्या, मूल नहीं छोड़ गए थे, पहले ही व्यवस्था करके जाते घर पर, ताला तीन लगा जाएंगे, पूरी व्यवस्था कर जाएंगे, वो सब करके जाएंगे, भैया कुछ व्यवस्था ना हो, कई बार तो, और पता नहीं आजकल मुझे जाना जानकारी नहीं है, लेकिन कैमरा वैमरा लगा लेते हैं, वो मोबाइल है वहीं देखते रहते हैं, माओ घर कैसे चल रहा, वो ज्ञान में नहीं मुझे, वो तुम्हें दूर कैच करता है कि नहीं करता, मैंने पूरी व्यवस्था करके कि घर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या घर पर कोई है तो नहीं, घर तो वहां देखे देखे तो मूल का छोड़ गया, घर तो छोड़ गया, अरे ये तो बात तुम्हारा हमारी तो कृष्ण अवस्था है, अरे दिगंबर संत बन गया, निर्गंथ मुनि बन बना धारण कर लिया ना, तब भी आचार्य महाराज कहते कि मिथ्या तो नहीं छोड़ा, तो मूल को तो छोड़ा ही नहीं है, क्यों भैया, कोई ने कहा जैसे तुमसे भाई साहब राजेंद्र जी किसी ने 5 लाख रुपए ले दिए, और 5 लाख रुपए दे दिए, और वो हर साल हर महीने ब्याज चुका जाता है, ब्याज चुका, ईमानदार थोड़ा सा ईमानदार हो, ब्याज ही नहीं चुका अभी बार हो तो ब्याज दे जाता है, और एक दिन बोले अब चुपता कर लो, तो आपने 10 वो उसने 4-6 साल का पूरा ब्याज दे दिया, और जाने लगा, कहा भैया क्या कर रहा है, मूल तो दे जा, ब्याज दे के बदले, लेकिन के मूल की बात मत करो, तुम कहीं जो ब्याज है वो ले लो, मूल की बात मत करो, क्योंकि तुमने हमें उस समय हमारी परिस्थिति देख कर बड़ी दया करके, लोग तो उस समय बहुत पैसा, 1 रुपए के सैकड़े से दे दिए, तो उसने कहीं बढ़िया काम चल रहा है अपना, तो मूल की बात मत करो, तो समझ लो कैसा है, आप क्या हो गए भैया, ब्याज दे चाहे मत दे, लेकिन पहले हमारा मूल दे दे, ऐसे ही तू ये राग को बाद में मंद मंद करना, पहले इसके क्या कह रहे हैं मूल को, तो इन शक्ति से रहे जो भी हैं उनको कैसे छोड़ना है, मूल से छोड़ना है,
समझ में आया। और मूल से छोड़ने के लिए मूल को पकड़ना है, मूल को ग्रहण करे बिना मूल से कैसे छोड़ सकता है। आत्मा का मूल क्या है कि चित शक्ति है, उसको ग्रहण किया बोलो सब छूट गया। समझ में आया, छोड़ने योग सब छूट गया और ग्रहण करने योग सब ग्रहण कर लिया। छोड़कर हाँ बस, अब वो तो है भाई साहब, लेकिन जो राग है ना, ये शुभ राग है ना, ये सुनने का राग है ना, ये बाँचने का राग है, ये विचारने का राग है, ये क्या है, ये जड़ है, ये मेरा भाव नहीं है। ऐसा तब ग्रहण में आया जब मेरा भाव ग्रहण में आया, जिस शक्ति ग्रहण में आई भाई साहब तो छूट गया। तो लिखते हैं जो अपने चित शक्ति मात्र भाव का अवगान करके पहले मूल को छोड़ा, अब उसी में डूब गया। मूल को छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन, डूब जाने का नाम चारण। अब गाहन चारों तरफ से गाहन ग्रहण डूबना, डूबने का नाम चित शक्ति को से रहित विभावों को छोड़ा, मूल से छोड़कर चित शक्ति का श्रद्धान किया, इसका नाम सम्यक दर्शन। और अब गान करने का नाम सव्यचारे। समझ में आया, और दर्शन के साथ ज्ञान तो हो ही गया। अब गाहन करके समास पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान ऐसा एकमात्र अविनाशी आत्मा, वाह, जिसमें अभी तक कोई आया ही नहीं है, इसमें तो दर्शन ज्ञान चरित्र है। ऐसा आत्मा का भव्य आत्मा, ये आत्मा कैसा है कि जिसमें कभी कोई विभाव मूल में आया ही नहीं है, जो अपने ही स्वभाव में रमण कर रहा है, ऐसे आत्मा का भव्य आत्मा, जिसको आत्मा सुनने पर आनंद आता है, भव्य आत्मा है? आत्मा में ही कायम है, बड़ी सरल काम बता दिया, इतने बेहतर कौन नहीं अनुभव करना है, कायम है आत्मा में ही। हम आपसे मिलने आ रहे हैं, और कहाँ रहे साहब, आपके ही घर, अरे तो अपने कभी जाने ही नहीं, ऐसे कहाँ अनुभव करना है, चौसम ज्ञान में नहीं, राग में नहीं, कर्म में नहीं, स्थान विशेष में नहीं, कहां पर, आत्मा में ही अभ्यास करो, आत्मा का आत्मा में अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। दोबारा वाचूंगा, बीच में छोड़ दिया मैंने, ऐ आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहे चैतन्य शक्ति मात्र है, उसके अनुभव का अभ्यास करो।